छपरा के ज्योति सिनेमा हॉल में 20 अक्टूबर को यानी कि परसों ये मूवी लग रहा है। और बात करें कि टिकट बुकिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि मूवी बहुत बड़ा है, भोजपुरी के ऐतिहासिक लेवल का मूवी है। पीछे आप लोग देख रहे होंगे खेसारी लाल यादव गन लेकर चला रहे हैं, उनके बेटी है मेघा श्री हैं, सभी लोग हैं इस मूवी में। काफ़ी मूवी ब्लास्ट है, बताया जा रहा है कि भोजपुरी के नंबर वन और ऐतिहासिक मूवी संघर्ष 2 है। इस लेकर यहाँ पे आए हैं और ज्योति सिनेमा हॉल में यहाँ के जो मालिक है, जो देख रेख में है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका भैया? मनीष कुमार नाम है। आप ही के देख रेख में ज्योति सिनेमा हॉल चलता है? मेरी देख रेख में सिनेमा हॉल चलता है। अच्छा, संघर्ष 2 मूवी क्या लगता है कि 2023 का नंबर वन मूवी होगा? एकदम होगा। दरअसल भोजपुरी की अब तक की सबसे अच्छी मूवी खेसारी लाल जी की कही जा रही है। हाँ। और इस मूवी में सबसे बड़ी खासियत है कि अपनी बेटी को खुद लॉन्च कर रहे हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो अगर बेटी को लॉन्च कर रहे हैं तो एक शानदार पारिवारिक मूवी, और अभी तक हम लोगों जहाँ तक मिला है कि एक पारिवारिक मूवी ही बनाई गई है जी। और बहुत कम ऐसी मूवीज आती हैं। हाँ। और भोजपुरी में एक पहली बार साफ सुथरा प्रयाग पाटिल के निर्देशन में बन रही है ये मूवी, जिसमें मेगा श्री भी हैं, खेसारी लाल यादव, और हम लोग जो है पूरे दर्शकों को तैयार बैठे हुए हैं ज्योति सिनेमा हॉल में। अभी देखिए हमारे यहाँ जितनी भी कुर्सियाँ हैं, जितने भी हमारे लाइट्स हैं, जितने भी हमारे रंग कर रहे हैं। दरअसल दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर ये मूवी हो रही है। हाँ। और हमें अनुमान है कि ये एक ब्लॉकबस्टर मूवी होने वाली है और पूरी भीड़ के साथ चलने वाली है। बिल्कुल। इसीलिए हम लोग दर्शकों को मोस्ट वेलकम करते हैं कि आप आइए हमारे ज्योति सिनेमा हॉल में, हम एक पारिवारिक माहौल में आपको एक पारिवारिक मूवी भी दिखाएंगे। बिल्कुल। भैया ने एक बात बोला कि पारिवारिक मूवी है, तो सच में पारिवारिक मूवी है। लोग बोलता था कि भोजपुरी इंडस्ट्री गंदा हो गया है, भोजपुरी इंडस्ट्री बर्बाद हो गया, भोजपुरी का जो भी मूवी है सिनेमा हॉल में नहीं लगेगा। लेकिन अब दर्शक मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि अब जो भी सुपरस्टार है अपने बेटी को, अपने परिवार को इस मूवी में लाए, ताकि लोग को जो मन में सवाल था कि एक गंदा मूवी है, भोजपुरी इंडस्ट्री में गंदा मूवी चलता है, तो इस सबको लोग को दूर करने के लिए अपने बेटी को लाए और संघर्ष 2 के लिए आगे बढ़े। अच्छा, क्या लगता है कि अभी 2 दिन है मूवी आने में, आज 18 तारीख है, 120 तारीख है, क्या बुकिंग कितने दिनों से चल रहा है? देखिए बुकिंग की बात करें तो हमारे यहाँ एडवांस बुकिंग केवल हिंदी मूवीज में होती है। हाँ। लेकिन दर्शकों की जो है हुजूम है। हाँ। ये हमारे यहाँ लगातार आ रही है। हाँ। तो हम लोगों ने इसको देखते हुए कल से जो है 19 तारीख से हम लोगों ने इसको एडवांस बुकिंग चालू करने का मैंने निर्देश दिया अपने स्टाफ को। हाँ हाँ। और कल से मैं बुकिंग स्टाफ शुरू कर दूंगा एडवांस बुकिंग। कितना टिकट चार्ज लगेगा? देखिए टिकट हमारे यहाँ नॉर्मल है जी। दरअसल ये भोजपुरी मूवीज है, तो हम लोग जो है नीचे के लिए जो हमारे है उसके लिए 50 रुपया मिनिमम कॉस्ट है, 50 रुपये, और ऊपर के लिए जो डिलक्स क्लास है हमारा उसके लिए मात्र हम लोग 70 रुपये चार्ज कर रहे हैं। यानी कि 50 और 70 दो तरह का सीट है, दोनों तरह। अच्छा, क्या लगता है कि भोजपुरी के ऐतिहासिक लेवल का मूवी है आपके हिसाब से? देखिए ये तो पर्दे पर गिरने के बाद ही मालूम चलेगा कि पिक्चर किस तरह का होता है। हाँ। लेकिन अनुमानित किया जा रहा है, क्योंकि सेंसर सर्टिफिकेट इसका दो घंटा दस मिनट का है। हाँ। और हम लोगों ने एज एग्जीबिटर हम लोगों ने ये डिस्ट्रीब्यूटर हैं हमारे, जो हम लोग देखते हैं कि जो भी छोटी मूवीज होती हैं। हाँ। उसको दर्शक बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ। तो अब देखिए प्रयाग पाटिल का निर्देशन है, बन रही है खेसारी जी की, ये एक बहुत अच्छी बहुचर्चित मूवी है जी। तो बहुत अच्छी मूवी है, तो अच्छा है, अच्छा है कि मैंने क्या होता है कि दर्शक मांग कर रहे हैं, दर्शक का हुजूम है। आज हमारे सोशल मीडिया पे भी, सोशल ज्योति सिनेमा के जो सोशल पेज है उस पे भी काफ़ी ज़्यादा है हमारे, इंक्रीजिंग हो रही है, फॉलोअर्स पूछ रहे हैं हमारे पिक्चर के बारे में। अब हम सभी से निवेदन करेंगे कि आप आइए 20 तारीख को और खेसारी जी की सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए। क्या लगता है कि ज्योति सिनेमा हॉल में छपरा के धरती, छपरा के बेटा, छपरा के लाल खेसारी लाल यादव ज्योति सिनेमा हॉल में आएंगे? एकदम आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? अगर आप लोगों का प्यार अगर उन तक पहुंच गया तो एकदम आएंगे हम लोग भी। दरअसल अभी मेला का समय है, कल ही जो है हम लोगों को भी दिशा निर्देश मिला हुआ है कि कल वो स्क्रीनिंग है हमारे पीने मॉल में भी। हाँ। इस मूवीज़ की, तो उसके बाद जो है दर्शक दुर्गा पूजा के बाद हम संभव करेंगे, प्रयास करेंगे कि खेसारी जी हमारे जो अभिनेता हैं, छपरा के बेटे हैं, वो हमारे सिनेमा हॉल में आए और दर्शकों के साथ मूवी देखें। फिलहाल आप लोग भी दरअसल अगर प्यार बनाएंगे और भीड़ भाड़ चलेगा तो और अच्छा होगा। बिल्कुल। तो देखिए भैया का भी कहना है, भैया का भी मांग है और सभी लोगों का, दर्शक का भी डिमांड है, क्योंकि मैं जब फरिश्ता मूवी का रिव्यू कर रहा था तो काफ़ी फैंस नाराज भी थे खेसारी यादव से कि भैया आप आइए, बाकी भैया नहीं आए। लेकिन इस तरह से जैसा माहौल दिख रहा है दुर्गा पूजा वाले में संघर्ष 2 को लेकर, भैया का भी मांग है और पूरा ऑडियंस की मांग है कि खेसारी जी आए। अगर खेसारी जी मेरा, आप तो वीडियो देखते हैं हमको पता है, लेकिन ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, और सब सच में भैया आपसे रिक्वेस्ट है कि संघर्ष 2 को लेकर आप आइए ज्योति सिनेमा हॉल में।
अच्छा, जिनके पास कुछ पैसा नहीं रहेगा उनके लेकर क्या ऑफर रखे हैं आप? देखिए, उनके लिए तो अभी फ़िलहाल जो है हम लोग जो अभी मूवी चल रही है, हम लोग अपने द्वारा जो खेसारी जी के फैंस हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं जब भी हम मूवी लगाते हैं खेसारी जी का जो भी मूवी लगाते हैं तो उनके फैंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और कुछ जैसे माने रिक्शे वाले हैं जो जिनके पास हैं बड़े निम्न प्रकार के, हम उनके लिए अलग व्यवस्था करेंगे एज ए सिनेमा। भैया हम लोग करेंगे भैया, दिल आप खुश कर दिए। देखे जिनके पास पैसा नहीं है जैसे रिक्शा चलाते हैं, उनको देखने का शौक है अपने अपने बिहार के बेटा, अपने छपरा के बेटा को, तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आप देखिए, एक जय यादव है वही रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं और खेसारी यादव के बहुत बड़े फैन हैं, क्या कहिएगा संघर्ष 2 मूवी के बारे में? इसका तो कोई जोड़ी नहीं भैया। हाँ, इसका कोई जोड़ी नहीं है, कोई जोड़ नहीं है। दशहरा पूजा में, दुर्गा पूजा में फाड़ कर रख देने वाला मूवी है। अच्छा अच्छा, इसके लिए कुछ कह नहीं जाते। क्या बोलिएगा इस मूवी को लेकर खेसारी लाल यादव जो अपने बेटे अपने बेटी को इस मूवी में अति रखे हैं और इस मूवी को लोगों को दर्शाने के लिए कि नहीं मूवी साफ सुथरा है, पारिवारिक है, तो कृति के लेकर आप क्या बोलिएगा? कृति तो हमारे पूरा यूपी बिहार के लिए सबके लिए बेटी है। हाँ, सभी का बेटी है वो, जो भी है वही है। क्या लगता है खेसारी यादव जी छपरा के ज्योति सिनेमा हॉल में आएंगे? जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, उनको कोई रोकने वाला है? आप कितने लोगों को लेकर आएंगे ज्योति सिनेमा हॉल में? हम तो अभी जब लगा था पोस्टर पंकज सिनेमा में तो हम बोले थे कि 20-25 लोग का टिकट हम देंगे। हाँ, जरूर देंगे, इसमें भी लग रहा है तो इसमें भी दिखाएंगे, जरूर अपने साथ लेकर आएंगे 20-25 लोगों को, जरूर लेकर आएंगे। पक्का? एकदम पक्का है भैया, उसके लिए कुछ भी हो जाए, परसों लग रहा है 20 तारीख को हम जरूर लेकर आएंगे। क्या लगता है भोजपुरी के ऐतिहासिक मूवी ये कहलाएगा? इतिहास बदल जाएगा एकदम, इतिहास बदल जाएगा। हाँ, इसमें कोई रुकावट नहीं होगा। अच्छा, एक तरफ बात करें पवन सिंह जी अपने खेसारी यादव को छोटे भाई मानते हैं, गोरखपुर के एक इवेंट में अति संघर्ष 2 को प्रचार किए, लेकिन आपके खेसारी यादव जी प्रचार नहीं कर रहे हैं अपने बड़े भाई पवन सिंह जी के मूवी को, तो उसको लेकर क्या बोलिएगा आप? अब वो तो अपने अपने बात की बात रह गई, कभी लड़ते हैं लोग, कभी क्या करते हैं नहीं करते हैं, उतना तो हम नहीं जानते हैं भैया। हाँ, किस बात पे लड़ाई होती है, क्या होती है नहीं होती है, उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, अगर मेरे सामने कोई खेसारी भैया का शिकायत करेगा तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं कभी। खेसारी यादव कोई शिकायत करता छोड़ेंगे? मेरे सामने कोई करेगा तो हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, कुछ और लोग हैं, आइए चाचा से, एक चाचा हैं, चाचा से बात करेंगे। चाचा, आप यहीं के रहने वाले हैं? हमारा। अच्छा, आपका दुकान है। अच्छा, खेसारी यादव जी ज्योति सिनेमा हॉल में आएंगे, कितना आप खुश हैं? बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा कि बिहार आना चाहिए। हाँ, आना चाहिए उनको, चाहे कि पिक्चर उनका है चाहे जो भी लोग पसंद करता है तो आना चाहिए उनको जी। अच्छा चाचा, लोग बताओ था कि खेसारी यादव अपना बेटी के ये मूवी में रखले बनी तो मूवी ऐतिहासिक लेवल बा, पारिवारिक बा, रउआ आकर्षण लगा था। ठीक बच्चे, अच्छा रउआ मूवी देखे कि ना देखे क्या ना, उनके तो यहीं आराम से दिन भर तीन आराम से देखे कि जो मन कर तब देख ले, कभी जब जब लगे तिनका देखे कर नहीं सर पिक्चर कौन पिक्चर हो के तन देखे कर नहीं। खेसारी जी का आशीर्वाद देता नहीं ये मूवी के लेके? ठीक है, अच्छा लोकेशन लेके आए बने। अच्छा लोकेशन लेके आए बने। देखिए सब कोई के चर्चा बा, सबहतर चर्चा बा, यहाँ पे एक छोटा बच्चा है, इनसे भी पूछेंगे। क्या नाम है बाबू? राहुल कुमार। राहुल कुमार जी, कहाँ घर है आपका? है कहाँ घर है आपका? जक्सन। कहाँ? जक्सन, जक्सन के पास में। खेसारी लाल यादव जी का मूवी आ रहा है 20 अक्टूबर को, संघर्ष 2, देखिएगा कि नहीं आप? देखेंगे देखेंगे। पैसा जुगाड़ कर लिए हैं? नहीं, फिर भी देखेंगे। पैसा जुगाड़ कर लिए हैं ना, टिकट का पैसा? जी। और खेसारी लाल यादव जी आएंगे, पास से देखिएगा, एक तरफ मूवी देखिएगा अंदर सिनेमा हॉल में और बाहर में खेसारी यादव जी सामने रहेंगे, कितना मजा आएगा दोनों देखकर चेहरा। अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। पक्का देखिएगा ना जी। तो देखिए, दर्शकों के अंदर काफ़ी डिमांड था संघर्ष 2 को लेकर, तो फाइनली डेट रिलीज भी हो गया है, 20 अक्टूबर को आप लोग आइए छपरा के ज्योति सिनेमा हॉल में, आइए आप लोग मूवी का रिव्यू भी करेंगे, आप लोग मूवी देखिए, किसी भी प्रकार के त्रुटि होगा तो खुलकर बोलना है, लेकिन यहाँ तक कि अगर अच्छा मूवी होगा तो इसको प्रमोट भी करना है। बाकी इतना ही रहेंगे, मिलते हैं कहीं और किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भोजपुरी।